आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं पुलिस लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ। मुद्दा बड़ा है, बात बड़ी है महेंद्रगढ़ जिले के लिए। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलकर नारनौल किया जा रहा है। लोगों में काफी रोष भी है कि आखिर क्यों महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलकर नारनौल किया जा रहा है। परंतु इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वह स्पष्ट बता रहे हैं कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदला जाएगा या नहीं। पहले आप वो वीडियो देखिए। कह रहे महेंद्रगढ़ का नाम चेंज कर रहे हो क्या? जनता बहुत नाराज है मंजीत भाई। ना मैं चेंज कर रहा, आपके ही कुछ लोगों ने एक रेवेन्यू कमेटी के आगे प्रस्ताव दिया था, जिसके अंदर महेंद्रगढ़ का नाम नारनौल करने का था। उसके अंदर मैं हूँ, बनवारी लाल जी है और साथ में कंवरपाल जी है, तीन हम लोग हैं जो उस कमेटी के अंदर है। और तीनों ने यूनानिमसली यही निर्णय लिया, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नाम से उस डिस्ट्रिक्ट के इमोशन जुड़े होते हैं। महेंद्रगढ़ का नाम बदलने के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर को ये आदेश दिए हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से वो इसके बारे में चर्चा कर कमेटी को बताने का काम करे। अगर महेंद्रगढ़ जिला चाहता है पूरा, तो उसके ऊपर फिर कमेटी आगे निर्णय लेगी। अगर महेंद्रगढ़ जिला नहीं चाहता, तो मुझे लगता है ये आप लोगों का प्रेरोगेटिव है, आप लोगों की मांग को हम सुनने का काम करें। अभी आपने दुष्यंत चौटाला का वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कमेटी द्वारा किसी भी जिले का नाम नहीं बदला जाएगा, बल्कि इसके विपरीत महेंद्रगढ़ जिले के ही कुछ लोगों द्वारा कमेटी में प्रस्ताव डाला गया था कि महेंद्रगढ़ का नाम बदलकर नारनौल कर दिया जाए। उन्होंने बताया है कि कमेटी नाम बदलने के बजाय यह फैसला महेंद्रगढ़ की जनता पर छोड़ेगी, यहाँ की ग्राम पंचायतों पर छोड़ेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वे करवाकर यह जाना जाएगा कि महेंद्रगढ़ का नाम बदला जाए या नहीं। अब फैसला जनता को करना है, फैसला ग्राम पंचायत को करना है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।